कहता है आर इज अ सेल्स टैक्स ऑफिसर, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है जयपुर में, जयपुर में. ही वॉज ऑन टू रेजिडेंशियल हाउस, इसके पास दो घर है. द हाउस इन दिल्ली वॉज कंस्ट्रक्ट 91 में, 91 में. द हाउस लेट आउट रेंट 30,000 रुपये पर मंथ पे. दिस हाउस जो कि दिल्ली में है, यानी उसका एक जो दिल्ली में घर है, इस घर को उसने किराए पे दे दिया है कितने के, 30,000 रुपये हर महीने के हिसाब से. सेकेंड हाउस जयपुर में कंस्ट्रक्ट 2022 में हुआ था, हैज बीन ऑक्यूपाई फॉर होन रेजिडेंस. जो दूसरा घर जयपुर में है उसमें बोलता है भैया इसमें तो मैं सेल्फ रहूंगा क्योंकि मेरा घर भी, मेरा ड्यूटी भी वहीं पे है, जो बना था इस डेट पे. रेजिडेंस सिंस देन ही टुक अ लोन, 9 लाख रुपए का लोन लिया. मजेदार अब कहानी यहां से स्टार्ट हुआ जहां दिमाग लगाना पड़ेगा. 9 लाख का लोन लिया 1/8/2020 पर एनम इंटरेस्ट फॉर द पर्पस कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस हाउस. द एंटायर लोन स्टिल आउटस्टैंडिंग. तो भैया कौन से घर के लिए लोन लिया इसने, जयपुर वाले घर के लिए लोन लिया. किस घर के लिए लोन लिया इसने, जयपुर वाले घर के लिए. कितना लोन लिया, 9 लाख रुपए का, और 1/8/2020 को लिया. अब इसने जो घर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ 1/3/2022 में, तो इस पे देखेंगे कि कैसे और क्या क्या करना है. चलिए, अदर रेलेवेंट पर्टिकुलर रिस्पेक्ट ऑफ दीज हाउस गिवन बिलो. कहता है म्युनिसिपल वैल्यूएशन दे रखा है, म्युनिसिपल टैक्स दे रखा है, एक्सपेंस ऑन रिपेयर दे रखा है, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम दे रखा है, ग्राउंड रेंट दे रखा है, लैंड रेवेन्यू दे रखा है, और बहुत सारी चीजें. तो म्युनिसिपल टैक्स तो हमारे काम का है. चलो, एक्सपेंस ऑन रिपेयर जो जो काम के हैं मैं उस पर टिक कर देता हूं, ये तो काम का है, ये भी काम का, ये कोई काम का नहीं, ये कोई काम का नहीं, ग्राउंड रेंट ये सब भाई फालतू, इंटरेस्ट ऑन लोन ये लो. तो अब तो एक क्वेश्चन ही बेकार हो गया मेरे हिसाब से, क्योंकि इसने क्या करा, इंटरेस्ट ऑन लोन निकाल करके दम ही नहीं रहा क्वेश्चन में. मैं सोच रहा था निकालेंगे कुछ प्री कंस्ट्रक्शन वगैरह देखेंगे इसमें, तो अब निकालना ही नहीं. अब प्री कंस्ट्रक्शन के हिसाब से निकालोगे तो आपका मान लो अलग आ रहा है, यहां पे 72 दे दिया तो भूल जाओ उसको, आप 72 ही दे दिया. द ग्राउंड रेंट ऑफ द दिल्ली हाउस, म्युनिसिपल टैक्स एंड लैंड रेवेन्यू जयपुर हाउस आर पेड, मतलब वहां के टैक्स वैक्स सब पेड है. आर वॉज ट्रांसफर मुंबई, आर को मुंबई भेज दिया गया 1/12/2022 में. कहां से भेजा गया होगा इसको, जयपुर से मुंबई. वेयर द रेजिडेंट हाउस मंथली रेंट 40,000 रुपये, और वहां पे ये अपना घर किराए पे लेता है रहने के लिए 40,000. तो इनकम टैक्स बोलते तुम कहीं भी किराए पे लो, हमें थोड़ी उससे मतलब है. हिज हाउस जयपुर लेट आउट द सेम डे फॉर 20,000. गलती कर दी अब इसने, 3 महीने के लिए ये घर किराए पे दे दिया. अब जो हम इसका रेंट जो कैलकुलेशन करेंगे पूरे 12 महीने से करने वाले हैं अब इसका, पर मंथ. कंप्यूट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ मिस्टर आर दीज असेसमेंट ईयर 24-25. अज्यूम फिर से अगेन नए रिज्यूम और पुराने रिज्यूम के हिसाब से. तो नए रिज्यूम और पुराने रिज्यूम के हिसाब से इसमें फर्क अब नहीं पड़ने वाला है. चलो, दो घर बना लेते हैं और चार कॉलम खींच लेता हूं मैं. आप भी एग्जाम में इस तरीके से आता है तो आप कर सकते हो. ठीक है, ये वाला एसओ मान लेंगे, ये वाला एलओ मान लेंगे. वैसे एसओ तो रहा ही नहीं क्योंकि किराए पे दे दिया. ये न्यू के हिसाब से, ये ओल्ड, और ये न्यू और ये ओल्ड. यहां पे आप देखो म्युनिसिपल वैल्यू दे रखा है, तो एमवी लिख लेते हैं. कितने दे रहा है, एक का 240 और इसका 240, इसका भी 240 और अगले का 180 और 180. ठीक है, म्युनिसिपल टैक्स, तो भैया म्युनिसिपल टैक्स जीए भी तो निकालो, तो ये एक्सपेक्टेड रेंट भी यही हो जाएगा 240. लेकिन सर सेल्फ ऑक्यूपाइड में कैसे, भैया आप सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं रहा, ये उसने गड़बड़ ये कर दिया कि किराए पे दे दिया. एक्चुअल रेंट, जो एक्चुअल रेंट निकालोगे तो भैया इसने क्या करा गलती, कि भैया 20,000 महीने के किराए पे दे दिया इसने. तो 20,000 महीने के किराए पे अगर दे दिया तो 20,000 × 12 कितने हो गए, 240 ही हो गए. और ऊपर वाला कितने पे किराए पे दे रखा था, वो किराए पे दे रखा था कितने के,
30,000 रुपए, तो 30,000 × 12 तो कितने हो जाएंगे, हाँ 360। पहले आप यहां तक समझिए, अगर यहां तक कोई दिक्कत है तो आप पूछिए मुझसे, आपको पहले यहां तक समझना है जो मैंने किया है, अगर कोई दिक्कत है तो पूछना है। यहां पे बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, सर ये 240 कैसे आ गया, एक्चुअल रेंट, रेंट तो उसका 20,000 रुपए था, और देखो वो तो दिसंबर में चला गया, दिसंबर में गया था ना ये 12 में, तो दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च आपको तो क्या करना चाहिए, 20,000 × 4 करना चाहिए जो कि बनता है 80,000, आप कैसे ले रहे हो 240। तो रूल क्या कहता है, रूल कहता है अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड और लेट आउट वाला केस आ गया आपका, तो आपने भले ही एक दिन के लिए किराए पे रेंट पे दिया हो, आपका पूरे 12 महीने का रेंट निकाल के कैलकुलेट किया जाएगा। ये भूल जाया जाएगा कि वहां पे कभी भी सेल्फ ऑक्यूपाइड भी था, सिर्फ रेंट माइनस करा जाता है वैकेंसी के केस में, और किसी केस में रेंट को हम कम नहीं लेते हैं। चलिए सर, अब जीए भी निकाल सकता है क्या, तो 240, 360 माइनस में एमटी कहता है भैया 10% है, 10% और 8%, पहले वाले में 10% तो 24,000, 8% है यहां पे 1,80,000 पे 8%, 14,000, 21,216,000, 345। ये सब पता है क्या करा, न्यू रिज्यूम और ओल्ड रिज्यूम के वजह से बहुत झमेला कर दिया आपके। आप एक ही क्वेश्चन को, पहले अगर मान लो दो टैक्स रेट नहीं होता तो हम दो कॉलम खींचते, फटाफट आंसर देते, अब अननेसेसरी कि हमें दो कॉलम और एक्स्ट्रा खींचना पड़ रहा है। एमटी अनपेड है सर दिल्ली हाउस का, देखें एमटी अनपेड है, कहां पे लिखा है, फर्स्ट लास्ट में ऊपर द ग्राउंड रेंट दिल्ली हाउस एंड म्युनिसिपल टैक्स लैंड रेवेन्यू जयपुर। अच्छा अनपेड है जयपुर का, तो ये तो देखा ये गड़बड़ हो जाता है, ध्यान नहीं दिया आपने, दे दिया, चलो अगर थोड़ा सा मैं आगे बढ़ जाता फिर परेशान होते हैं। 240 ठीक है, अभी आ गया हमारा, फिर क्या निकालेंगे, 24A 240 पे कितने परसेंट, 30%, 72, और फिर क्या निकालेंगे, 24B। ये ना जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है ये जयपुर है और ये दिल्ली है, ठीक है ऐसे समझना। तो वहां पे देखो 72,000 का इंटरेस्ट है, तो भैया 72,000 इंटरेस्ट भी कमाल हो गया, यहाँ पे तो सब डिजिट ऐसे ही आ रहे हैं, ये भी 72, इंटरेस्ट भी 72 दे रखा है, तो ये तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे 34,5600 का 30%, 103,680, 103,680, 241,920, 96,000, ये आ गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, चाहे आपका ओल्ड रिज्यूम हो चाहे आपका न्यू रिज्यूम हो। इन्होंने क्या करा, दोनों को कंबाइन कर दिया है क्या, दोनों को जोड़ना क्या आता है, 96,24, 241,920, 337,920, 920 अब देखो आपने एग्जाम में यही करना है, यहां पे पीसीपी निकाला इन्होंने, ठीक है पीसीपी कितना निकाला इन्होंने, 2600, आपको इतना करना है, क्योंकि इस इंटरेस्ट में कहीं नहीं बोला कि ये करंट ईयर का है,
बुक के अंदर बहुत सारी चीजें, बुक्स के अंदर अजम्पशन लेके मान लिया है, कहीं भी नहीं बोला पूरे क्वेश्चन में कि किसका ये करंट ईयर का है, सिर्फ बोला इंटरेस्ट। तो हम तो मानेंगे भैया टोटल ही है ना। तो इसके लिए जैसे मेरे को यहाँ कंफ्यूजन हुआ कि इंटरेस्ट ऑन लोन है टोटल है या करंट ईयर का, तो आपको नीचे एक नोट देना पड़ेगा और नोट क्या दोगे कि ये जो इंटरेस्ट है ये हमारा टोटल दे रखा है इंक्लूडिंग प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, देन हमारा आंसर ये एक्यूरेट रहेगा। बताइए समझ में आया? मैं इन्होंने ये दूसरे तरीके से कर रहे हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड 235 200 235 200 235 200 कहां से ले लिया इन्होंने? म्युनिसिपल टैक्स माइनस करा है 24,000 360 में से, हमसे गड़बड़ी हो गई यहां पे। ये दिल्ली है, ये कौन सा है और ये कौन सा है? जयपुर। तो दिल्ली के हिसाब से देखा जाए तो हमारा ये बनता है कितने परसेंट, हमारा दिल्ली कौन सा है? हमारा सेकंड वाला, ये गड़बड़ हो गई थोड़ी से। ये है दिल्ली और ये है जयपुर, सब कुछ ठीक चलेगा, बस ये वाला जो है ना इंटरेस्ट ये शिफ्ट हो जाएगा 72 और ये भी चेंज हो जाएगा। थोड़ा चेंज कर रहा हूं मैं इसमें, यहां पे 24,000 ठीक है और यहां पे नहीं मिलेगा। फिर ये रेंट भी मैंने गलत ले लिया होगा है ना, 36,000 इधर जाएगा ना। फिर मैं इसको पूरा करेक्ट कर रहा हूं क्योंकि रेंट तो मैंने उसका ले लिया था ना, इसका होगा 240, पूरा ही गड़बड़ हो गया ये तो। फिर एमवी तो ठीक चल रहा है हमारा ठीक है। अब एक्चुअल रेंट इसका रहेगा हमारा 360 क्योंकि ये था 30,000 और इसका होगा 240 और जीए भी आ गया 360। और म्युनिसिपल टैक्स 24, मैं पूरा ही यहां चेंज कर देता हूं, मैं फटाफट चेंज कर देता हूं, आप एक बार कैलकुलेट करते जाइएगा। 360 माइनस 24,000 336 इंटू 30% 1,00,000 इस, यहाँ इंटरेस्ट है नहीं, 235 200 235 200। वो गलती ये हुआ कि मैंने इसको जयपुर मान लिया था, इसको दिल्ली मान लिया था, इसलिए मैं ये सारा चेंज करना पड़ा। यहाँ पे इंटरेस्ट 72,000 मैं मान के चल रहा हूँ, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड निकाल चुके हैं 240 30% 72,000, मैं वहीं कर देता तो हो जाता ये। इससे अच्छा ऊपर ही चेंज स्विच मार देता तो हो जाता 96,000 ठीक है। 321,600 ये तो ठीक है, ठीक है। देखिए अब ये बिल्कुल 100% एक्यूरेट है, कोई दिक्कत नहीं है, बस यहां पे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड के अंदर आपका क्या है
कि हमने माना है कि कैलकुलेटेड है। अब एक बार चलो क्वेश्चन आ गया है तो मैं ये भी कर ही लूं कि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड 9600 कैसे आया, क्योंकि बुक वालों ने कर रखा है। तो मैं एक बार सिर्फ इंटरेस्ट कैलकुलेट करके बता देता हूं कि कैसे आया, बाकी हमने क्वेश्चन किया है उसके अकॉर्डिंग आपको इसी फॉर्मेट में चलना है एग्जाम में। तो मैं इसको हटा देता हूं यहां पे और प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड एक बार निकाल के बता देता हूं। देखो लोन जो इसने लिया था, घर कंप्लीट कब हुआ हमारा, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ था हमारा कब, एक एक तीन है ना, 3/2022 में कंप्लीट हो गया। और इसने जो लोन लिया था वो 2020 में लिया था, 1/8 कितने रुपए का लोन लिया था इसने, 9 लाख का, एट द रेट कितने रेट के हिसाब से, 8%। तो आप ये 1/3/2022 जो 22 है, तो ये वाला साल अगर आप देखो तो ये होगा हमारा 21 और 22, क्योंकि 31 मार्च को साल खत्म हो जाएगा। इस साल तो मैंने हाउस प्रॉपर्टी की इनकम टैक्स भरी दी होगी। और हमने लोन कब लिया, 1/8/2020, ये ईयर कब खत्म होगा, ये ईयर खत्म होगा 31/3/2021, इतना ही होगा ना। उसके बाद अगला साल हो गया कौन सा, 21। और इस साल का तो हमारा प्री कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले वाला जो साल होगा वो क्या माना जाएगा, प्री कंस्ट्रक्शन। समझ में आई बात कैसे, क्योंकि इस साल आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया होगा, क्योंकि घर तो बन चुका है। और जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया होगा तो आपको इंटरेस्ट का बेनिफिट ले लिया होगा आपने, क्योंकि इनकम टैक्स जब आपने फाइल किया हाउस प्रॉपर्टी का तो इंटरेस्ट तो ले ही लिया बेनिफिट। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में वो इंटरेस्ट होता है जिसका बेनिफिट नहीं लिया। तो इससे पहले घर बना नहीं था और इससे पहले रिटर्न फाइल करने दिया नहीं था, तो ये वाला था। तो एक साल का अगर वो भी काउंट करें तो 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, तो टोटल कितने महीने बनते हैं, 6, 2, 8 महीने का इंटरेस्ट आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में जाएगा। इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा, 9 लाख इंटू में 8/2 इंटू में 8/2 इंटू में 1/5, तो आप देखो इसका आंसर आ गया 9600। ठीक है, पीसीबी 8 मंथ, बिल्कुल ठीक है। तो हमने जो आंसर सॉल्यूशन किया है उसमें क्या माना है कि जो इंटरेस्ट था वो इंटरेस्ट कैसा था, जो दे रखा था सिचुएशन में, ये वाला जो इंटरेस्ट दे रखा है कौन सा इंटरेस्ट दे रखा है, ये हम क्या मान के चल रहे हैं, ये भैया टोटल दे दिया है तुमने। अगर टोटल नहीं दिया तो आपको लिखना चाहिए था यहां पे कि ये करंट ईयर का है, और ये टोटल आप नोट में लिखेंगे तो जो हमारा आंसर है वो 110% एक्यूरेट माना जाएगा एग्जाम में। एग्जाम में इनकम टैक्स में यही तो खासियत है कि दो बच्चों के डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स हो सकते हैं, बसरते उसने सही तरीके से नोट दिया हो। 1/5 क्यों किया, अर्णव का कहना है 1/5, देखो ये तो जब हमने पीसीपी किया तो तभी कहा था कि गवर्नमेंट बोलता है कि इसका बेनिफिट हम आपको 5 सालों में देंगे, तो इसलिए 1/5 किया है, इसलिए हमने क्या किया है 1/5। चलिए ये क्वेश्चन है हमारे बुक में, है ये क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये 20 है हमारे बुक में। ठीक है, कहता है आर हैज अ हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन दिल्ली विच वॉज कंसिस्ट 2 यूनिट, एक प्रॉपर्टी के 2 यूनिट है, यूनिट 1 60% फ्लोर एरिया, यूनिट 2 40%। यानी इनका कहने का मतलब है, और यहां पे भी भैया फिर से वही टेंशन आ गई, क्या टेंशन, न्यू रिज्यूम ओल्ड रिज्यूम, इस ये आपको ना पता है कि अच्छा वाला चीजें समझ में आने वाली चीजों को भुलाने वाले काम क्या है। और इस टैक्स के ऊपर जो टैक्स
भरते हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि वो तो निकलवाएंगे किसी से। जो निकालते हैं वो हर बार बोलते हैं यार सरकार ने क्या, गवर्नमेंट ने क्या बेवकूफी पंती करी है, या तो आप पुराने को खत्म कर दो, और उनको पुराना खत्म कर रहा है तो पहले टेस्ट कर रहे हैं कि लोगों का रिएक्शन क्या होगा, कहीं ज्यादा नाराज तो नहीं हो जाएंगे। जिस चीज में टेस्ट करना चाहिए वो तो बोलते हैं कि हो गया कानून लागू, और जिस चीज पे टेस्ट नहीं करना चाहिए ये तो बोल दे भैया पुराना टैक्स खत्म कर दिया, नया ही हो गया। अब चलो ये न्यू, ये ओल्ड, ये न्यू, ये ओल्ड, दो यूनिट, एक यूनिट कितने परसेंट 60% और एक यूनिट कितने परसेंट 40%, ठीक है। यूनिट ए वॉज सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो ये वाला एसओ है, सेल्फ ऑक्यूपाइड बाय आर फॉर 8 मंथ विद इफेक्ट 1/12 से लेट आउट कर दिया, गलती कर दी इसने। अब 1/12 से 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए लेट आउट करा इसने, लेकिन अब ये फंस गया, पूरे साल का ही निकालना पड़ेगा इसका। तो यूनिट बी ऑल्सो मीट अ सेल्फ ऑक्यूपाइड, किसके लिए करा, सेल्फ ऑक्यूपेशन व्हाट ऑल्सो लेट आउट 1/10 को, भैया ये भी फंस गया। यूनिट टू को भी इसने क्या करा, थोड़े समय के लिए खुद रख लिया, थोड़े समय के लिए लेट आउट दे दिया। जो यूनिट बी वॉज ऑल्सो मीट फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन बट इट वॉज ऑल्सो लेट आउट फॉर 1/10/2022 से 8,000। द अदर पर्टिकुलर ऑफ द प्रॉपर्टी वॉज एज फॉलो, तो भैया ये सब इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड दे रखा है, तो ये इंटरेस्ट हो गया, इंश्योरेंस प्रीमियम, इन सब का म्यूनिसिपल टैक्स पेड है, इसका काम है, इसका पेड नहीं है। तो सीधा सीधा मैं जीए भी निकालने जा रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि यूनिट वन का किराया कितना ले लिया था इसने 10,000, तो 10,000 इंटू में 12, 1,20,000, सिंपल सी बात है भैया, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। तुम भले ही एक दिन रह रहे हो, या फिर एक महीने रह रहे हो, या फिर आप 364 दिन भी रह लोगे ना, और एक दिन किराए पे दे दोगे, तो 365 दिन के हिसाब से कैलकुलेट करेगी गवर्नमेंट कहती है। अब 8,000, कुछ रूल्स ऐसे होते हैं ना जिसके अंदर 8,000 के हिसाब से कितने हो गए 12,96, कुछ रूल ऐसे होते हैं ना जिसके अंदर गवर्नमेंट ना आपको जानबूझ के मारना चाहती है। एक अभी पिछले एग्जाम में क्वेश्चन आया था, मैंने सॉल्यूशन अभी दिया उसका, तो मैं दिखाऊंगा आपको, तो फिर पता चलेगा यार कितना, मतलब के क्या रूल है ये, अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। 24 कहां से आ गया, पहले तो एमटी लेंगे ना, एमटी कितना पेड कर रहे हैं ये 40,000, तो 40,000 का 60% कितना होता है, 40,000 का 60 24,000, तो ये वाला एरिया 24,000 पे चला गया, और बच गया 40, तो 16,000 पे ये वाला एरिया आ गया म्युनिसिपल टैक्स उसके अकॉर्डिंग। ये क्या आ गया आगे जीएवी के बाद एनएवी, 1/20 में से 24 माइनस किया, 1/20 में से 24, 96, 96 में से माइनस क्या कर दो 24 ए 30%, 28 800। अब इंटरेस्ट जो दे रखा है ना वो 20,000 है, वो पूरे घर का ही है, तो इसको भी 40-60 में बांटना पड़ेगा आपको। 24B, चलो ये भी 28,800, 8 + 24,000, आज 24,000 की डिजिट बहुत दिख रही है हर जगह। 24B 20,000 का 60%, 12,000, 8,000, ये आ गया IHP 96,000 का 30% माइनस 12,000, ये 80,000 का 48, तो ये आंसर आ गया। पता नहीं ओल्ड और न्यू से क्यों करवा रहे हैं, तो आप देखोगे 48 और 55 200 आंसर आ गया, ठीक है। यहां पे बच्चा पता है जब सेल्फ स्टडी कर रहा होता है या फिर थोड़ा बहुत देखता है क्या शॉर्ट वीडियो देखता है ना, जो कि हमारा कैसे कैलकुलेट होता है म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, व्हिच एवर इज हायर, उसके बाद फेयर रेंट और स्टैंडर्ड रेंट लोअर, और उसके बाद एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट, वो शॉर्ट वीडियो जो ढूंढते हैं 1 मिनट वाले,
उनको तो यही रहता है कि भैया एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट में से क्या जाएगा, हायर जाएगा। फिर उनके सामने जब ये क्वेश्चन आता है तो उनको लगता है कि वो वीडियो गलत है कि ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि वो ये सारी बातें एक छोटी सी वीडियो में कभी भी नहीं बताई जा सकती कि जब ऐसा सिचुएशन हो कि एक दिन भी रह ले तो पूरे साल का किराया होता है, और इतने सारे एग्जाम्पल नहीं किए जा सकते शॉर्ट वीडियो में। बहुत सारे बच्चे ऐसा बोलते हैं कि सर कितने घंटे में हमारा इनकम टैक्स खत्म हो जाएगा, तो अब उसके लिए कोई आंसर नहीं है। फिर वो खत्म करने को तो देखो खत्म हो चुका है मेरा इनकम टैक्स, लेकिन जब तक हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं करते हैं ना, तो आपके क्वेश्चंस रुकेंगे, एग्जाम में भी रुकेंगे। मान लो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, पर आप देख रहे हो ज्यादा से ज्यादा यूनिट वाले क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। अभी भी जो पिछली बार आया था वो यूनिट वाला क्वेश्चन आया था एग्जाम में। मेरे पास क्वेश्चन पेपर पड़ा होगा यहाँ पे, ये रहा 2023 का क्वेश्चन पेपर, ये है बीकॉम प्रोग्राम ऑनर्स का है, अभी तो प्रोग्राम का पेपर सॉल्व किया है। पिछले साल अगर दिख पाए तो यहां पे देखो तीन घर है, हाउस वन, हाउस टू, हाउस थ्री, और इसके अंदर सारा का सारा क्या है, थ्री हाउसेस है। कुछ आपका यहाँ पे रेंट भी दे रखा है और कुछ ऐसे दे रखा है, और आपको प्रॉपर्टी का क्या करना है, टैक्स। यहाँ पे बड़ी कमाल की चीज थी, इंटरेस्ट वाला पॉइंट वगैरह भी दे रखा था यहाँ ने, और यहाँ पे बोल रखा था कि घर रेनोवेशन के लिए लोन लिया हुआ है। रेनोवेशन में तो भैया तुम्हें लिमिट ही कितनी मिलती है, रिपेयर के लिए 30,000 है, उससे ज्यादा तो है ही नहीं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आए हुए हैं।